अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाइयाँ भी दिल लगा के कर रहे होंगे, अपनी क्लासेस भी टाइम पे ले रहे होंगे, है ना। शाबाश, वेरी गुड। तो आप लोग तैयार हैं आज पढ़ाइयाँ करने के लिए। अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 124। एंड एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड how we are going to measure geometrical figures and shape. And first of जो सबसे पहले हमने measurement की technique सीखना शुरू की है is from the perimeter by practicing how we are going to find the perimeters. So in our previous class we discussed the some perimeter formulas, कुछ shapes के हमने formulas की discuss किए थे, such as triangle, rectangle, square and any quadrilateral figure. Quadri means four-sided figure, ठीक है। तो triangle की भी हमने formula बात की थी, square, rectangle, quadrilateral तो आपको notebooks में लिखने के लिए दिया था। You have to keep an eye on those formulas as well while solving these questions. तो जब आप questions ज़्यादा ज़्यादा solve करेंगे तो it will be ये आप लोगों के finger tips पर आ जाएंगे ना, formula तो वो खुद ही याद हो जाएगा। तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, मगर प्रैक्टिस करनी है इन ऑर्डर टू लर्न द फार्मूलाज, ओके। तो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 124। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलकुलेट द पेरीमीटर्स ऑफ फॉलोइंग शेप्स। आपने कैलकुलेट करने हैं फॉर पेरीमीटर्स फॉलोइंग शेप के। दीज आर सम शेप्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड This is a square as well. हमें कैसे पता चला square का, सारी sides same है ना, तभी। और ये right triangle कौन सा है? Is this equilateral? No. Is this scalene? No. This is an isosceles triangle due to the fact that the two adjacent sides are equal. Okay, very good. तो आइए रेक्टेंगल से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इजी वो दिया हुआ है कि ये एग्जांपल सॉल्व हुई हुई हैं, ताकि जब हम आगे क्वेश्चंस करें तो आपको एक गाइड मिल जाए कि कैसे आपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। एग्जांपल्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज़ रेक्टेंगल, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस रेक्टेंगल इज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट ए प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। Easy, very good. अब आपको कैसे पता चला भाई, हमने previous class में discuss किया था ना perimeter का formula, 2 bracket 8 plus 4 bracket close, ठीक है। तो there is another step to solve this question which is 8 plus 4, 8 में 4 add किए हमारे पास 12 आ गया bracket close, 2 बाहर इसलिए है क्योंकि formula में given है ना। या तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी चारों साइड्स ऐड कर दें तो आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मगर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी इसलिए थी दैट इट इज़ द क्विकेस्ट वे टू ऐड बिगर वैल्यूज। तभी यहाँ जब हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू आ गई पार्ट ए की, ओके। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर बी व्हिच इज़ ट्राइंगल, 7 centimeter, 7 centimeter, 5 centimeter. This is an isosceles triangle. Okay. Now we have to find the perimeter of this triangle as well. हम किस तरह find करेंगे? 7 plus 7 plus 5. यहाँ पे कोई formula नहीं लग रहा. We just have to add 3 sides. याद है ना हमने song में पढ़ा था? Cool. Very good. तीनों साइड्स ऐड होंगी और आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। इजी पीजी, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्क्वायर व्हिच इज दिस फोर साइडेड फिगर, 9 mm, 9 mm, 9 mm, 9 mm, फोर साइड्स व्हिच आर इक्वल टू 9 मिलीमीटर्स। यहाँ पे पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 times 9, या आप 9 को 4 टाइम्स ऐड कर दें, 9 plus 9 plus 9 plus 9, और ईजिली मल्टीप्लाई 9 times 4, द आंसर विल बिकम 36 mm, विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी। नाउ वट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट टू पार्ट आर योर गोइंग टू बी योर होमवर्क। मेक श्योर सबमिट योर होमवर्क टू योर क्लास टीचर्स ऑन टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।
We will meet in next class. Till then, take good care of yourselves and goodbye. Thank you.